नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड के बारे में। जी हां, तीसी या फ्लैक्स सीड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि फ्लैक्स सीड को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही हार्ट के जितने भी पेशेंट हैं, डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप फ्लैक्स सीड का यूज़ करें। साथ में ही ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है। आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है तब भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। आपके वेट को बैलेंस रखता है, आपके शरीर को ये न्यूट्रिशन देता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको फ्लैक्स सीड में मिल जाती हैं। तो फ्लैक्स सीड को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। आप इसका तेल यूज़ कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के उसे ऐसे भी पानी से ले सकते हैं, या फ्लैक्स सीड को पाउडर बना के उसे आटे के साथ गूंद के उसकी रोटियां बना सकते हैं, या मेरी तरह जैसे कि मैंने फ्लैक्स सीड का लड्डू बनाया था बिना घी और बिना चीनी का। आप उस रेसिपी को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने उस रेसिपी को ख़ास तौर पर हार्ट पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोगों के लिए बनाया था, जिससे आप लड्डू भी खा सकते हैं और आपके शरीर में ऑयल भी नहीं जाएगा और साथ में ही आपको फ्लैक्स सीड के बेनिफिट भी मिल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो फ्लैक्स सीड इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि डॉक्टर से लेके न्यूट्रिशन हर कोई आपको सजेस्ट करेगा फ्लैक्स सीड यानी कि तीसी लेने का। यहाँ तक कि आपकी दादी नानी या जो भी लोग इसका सेवन करते आए हैं वो सारे ही लोग आपको बताएंगे कि आप फ्लैक्स सीड का यूज़ ज़रूर कीजिए। तो फ्लैक्स सीड किस तरीके का होता है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये होता है फ्लैक्स सीड यानी कि तीसी। इसके तेल भी होते हैं, इसके लड्डू बनाए जाते हैं, इसके अलग अलग व्यंजन में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्लैक्स सीड यानी तीसी के बारे में। मिलते हैं अगली ज्ञान वाली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।